अजमेर में संविधान बचाओ देश बचाओ वाहन रैली का आयोजन किया गया। CAA, NRC, NPR विरोधी संघर्ष समिति की ओर से शुक्रवार को खानपुरा स्थित जामा मस्जिद से संविधान बचाओ देश बचाओ वाहन रैली आयोजन किया गया। इस वाहन रैली में सैकड़ों की संख्या में युवा जुम्मे की नमाज के बाद सड़क पर उतरे और CAA, NRC, NPR को देश के खिलाफ बताया और उन्होंने काले कानून बताते हुए उसे धार्मिक आधार पर बांटने वाला कानून बताया और इसी के विरोध में यह रैली आयोजित की गई है। रैली सुभाष नगर चुंगी रामगंज जीसी दरगाह बाजार दिल्ली गेट आगरा गेट सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां सभी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर CAA को वापस लेने की मांग की और NRC और NPR का विरोध किया। केंद्र की हठधर्मिता के कारण पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से अराजकता का माहौल चल रहा है, जो काला कानून नागरिक संशोधन अधिनियम जो लागू किया है वे देश को धार्मिक आधार पर बांटने वाला कानून है, काला कानून है, धारा संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है। आज इसी के तहत पूरे देश में जो आंदोलन हो रहे हैं और अजमेर के अंदर भी हम लगातार काफ़ी दिनों से आंदोलन करते आ रहे हैं, आज एक विशाल रैली का आयोजित कर खानपुरा से वे रैली दरगाह शरीफ से लेकर कलेक्ट्रेट तक जाएगी और महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा और उस ज्ञापन में कहा जाएगा कि इस काले कानून को वापस लो और इस देश को टूटने ना देने के लिए और जितने लोगों की इसमें शहादत हुई है उन सब लोगों को एक बड़ा मुआवजा दिया जाए, उन लोगों को सरकारी के अंदर एक नौकरी भी दी जाए जिन लोगों की शहादत इस आंदोलन के दौरान हुई है। और जब तक ये आंदोलन हम वापस नहीं लेंगे और अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसको झुकना ही पड़ेगा, ये तय है, और इस काले कानून को वापस लेना पड़ेगा वरना जब तक हम इस आंदोलन को ख़त्म नहीं होंगे, इस संविधान को बचाने के लिए देश की मुहिम को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज होते हुए कड़का चौक मदार गेट दरगाह से फिर फुहारा चौराहे से अम्बेडकर सर्कल और कलेक्ट्रेट तक एक रैली CAA के खिलाफ निकलेगी। CAA का कानून कोई नया कानून नहीं है, 26 जनवरी 1950 को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने यह हमारे यहाँ संविधान लागू किया था उसी टाइम का ये सिटीजन एक्ट है। सिटीजन एक्ट के अंदर जो बार बार अमेंडेड होते रहे लेकिन पहली बार सिटीजन एक्ट में धर्म को बीच में डाला गया है, सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। बाकी हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए लोगों को इसमें नागरिकता दी जाए, लेकिन हमारा ये कहना है कि जो बर्मा से मुसलमान आए हैं और तिब्बत से चीन से जो तिब्बती आए हैं उनको और तमिल से जो श्रीलंका से तमिल आए हैं उनको सबको समान नागरिकता दी जाए और धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाए। कल ही हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि इसको हिंदू मुसलमान की नज़र से मत देखो, इंसानियत की नज़र से देखो। तो मैं कहता हूँ राजनाथ सिंह जी, आप उस जो हमारा देश का अभी होम मिनिस्टर बना हुआ है, जो उसके लिए मैं कोई लफ्ज़ मेरे मुंह पर नहीं है जो मैं कहूँ, उसको ये समझाओ कि मुसलमान भी इंसान है, मुसलमान कोई जानवर नहीं है। जब आप खुद कह रहे हो, सत्ता में बैठा हुआ रक्षा मंत्री कह रहा है कि इसको हिंदू मुसलमान की नज़र से मत देखो, तो ये जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं वो क्या इंसान नहीं है? इसलिए हमारा ये विरोध जब तक चलता रहेगा जब तक ये CAA, NPR और NRC का कानून वापस नहीं लिया जाएगा। ये कानून सिर्फ मुसलमान विरोधी नहीं है, दलित विरोधी है, OBC विरोधी है, भारत के हर आदमी के विरोधी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कानून भारत को तोड़ने वाला कानून है, इसलिए ये जो भी काम करते हैं बिना सोचे समझे काम करते हैं, चाहे नोटबंदी का काम हो चाहे GST का काम हो, इनको कोई भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना चाहिए। यह आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक ये CAA वापस नहीं लिया जाएगा।